बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे श्री सतगुरु महाराज की समस्त सुंदर साध प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे बजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमाराए सखी जीवन हमाराए। श्री महामती कहे ए मोमिनो भया चर्चा काम खान अब तुम सुनियो चित दे। लाल आगे आए बैठे ना तखत लाल आगे आए बैठे ना तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे महामति कहे साथ जी ये बीतक भोज नगर आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर बीतक पहचान पर श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की पहचान। या समय हरि दास जी प्राणाधार आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी तुम्हारे श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धाम धनी अक्षरातीत प्राणवल्लभ प्राण प्रियतम लालदासी महाराज जी के धाम दिल में विराजमान होकर कल के घटनाक्रम में अंतिम में हमने देखा कि देवचंद्र जी की कितनी निष्ठा कैसी उसकी सेवा ये भी कोई आराध्य इष्ट के भगवान के ये नहीं हरिदास जी के प्रति हरिदास जी की सेवा और ये निष्ठा को देखकर हरिदास जी के दिल में भाव जगा कि देवचंद्र जी आपके दिल में क्या इच्छा है आप मेरे को बता दीजिए आपको जो इच्छा हो आप ऐसा करो मेरे मंदिर में दो मूर्तियां है एक बालमुकुंद और एक बांके बिहारी रास बिहारी श्री कृष्ण जी की तो आप ऐसा करो मैं बालमुकुंद जी की मूर्ति आपके घर पे पधराना चाहता हूँ तो आप बालमुकुंद जी की मूर्ति अपने घर ले जाइए। वहाँ तक की कल भोज नगर का ये घटनाक्रम हमने सुना ये प्रसंग के माध्यम से और आज भी भोजनगर का जो अंतिम प्रकरण हम सुनने जा रहे हैं उसमें बताया कि या समय हरिदास जी तो कल हरिदास जी ने दिल में तो ले लिया था कि एक मूर्ति मैं देवचंद्र जी के घर पे पधराऊँ क्योंकि वो रोज ही हरिदास जी की सेवा के लिए तो आते थे हरिदास जी के कपड़े धोने बर्तन मांजने झाड़ू पोछे लगाने मंदिर की तीन तीन घंटे परिक्रमा करते रहना और ये भी कितनी निष्ठा के साथ कि अपना सब कुछ मतलब झोंक दिया अपनी ओर देखा ही नहीं अपना तन सब कुछ लगा दिया
मन इंद्रियों से इंद्रियों के साथ के एक घंटे पहर तक तीन घंटे 12 से 3 बजे तक ही बस घर में रहते थे। बाकी की जो सेवा रहती थी वो हरिदास जी के घर में रहती थी। तो उसकी निष्ठा किसकी? श्री देवचंद्र जी की निष्ठा और ऐसी सेवा भाव की भक्ति को देखकर हरिदास जी ने दिल में ले लिया कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति मैं आपके घर में पधराना चाहता हूँ। तो यहाँ बताया कि यह समय हरिदास जी, तो हरिदास जी ने बाल मुकुंद जी की मूर्ति को देने के लिए एक दिन, एक शुभ दिन निश्चित कर लिया और देवचंद्र जी को बोले कि देवचंद्र जी आप ऐसा करें, आज का दिन शुभ है, आप मेरे घर पे आ जाइए और बाल मुकुंद जी की मूर्ति लेकर आप अपने घर में ले जाइए और प्रेम से वाले आप सेवा कीजिए। क्योंकि जो कृष्ण की भक्ति थी ना सुंदर साथ जी, वो प्रेम सेवा की थी। कैसी थी? मैंने कल अंतिम प्रसंग में बताया था ने कि संसार जब वो चौपाई नहीं बताई, सुखदाई सबन को अखंड करण हार, विश्व बंदे अक्षर लो सुखे परीक्षित को कहियो विचार। तो जब तक इस संसार में 5000 साल पूर्व जब ब्रज और रास की जो प्रेम लीला हुई, ऐसी मोहिनी स्वरूप की जो एक माधुर्य लीला हुई, इससे पहले इस संसार में प्रेम नहीं था। संसार के मनीषी जन, संत भक्त या कोई भी अवतार, पैगंबर, तीर्थंकर, ये सब नव प्रकार की भक्ति से ही भक्ति करते थे। क्या मैं कल बोला था ने कि श्रवण कीर्तन समरण दासी अर्चनम वंदनम आत्मनिर्धनम पाठ सेवनम, लेकिन जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, और गीता में भी बताया ने किसने, अर्जुन ने, अर्जुन को योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने बताया, क्योंकि अर्जुन को संशय था। देखो यहाँ मैंने इतनी ही चरण में मैं क्या समझाना चाहती हूँ कि देवचंद्र जी को जो ये राधावल्लभी मार्ग वाले लोग होते ना, वो छूता छूत में और इतनी निष्ठा के साथ भक्ति करते, किसी का बनाया हुआ कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, मतलब इतनी पवित्रता, इतनी शुद्धता, हमने आगे देखा था ना कल चर्चा में कि कितनी पवित्रता के साथ और मौसम के अनुसार वो सेवा करते हैं। मान लो हमने तो अक्षरातीत की पहचान कर ली है, ठीक है। इस संसार की अंदर जितना भी उच्चा ज्ञान आया तो क्या आया, मतलब 4 वेदों से लेकर 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, 18 पुराण में 18वां पुराण श्रीमद् भागवत, उसके 10वें स्कंद में 90 अध्याय में से 35 अध्याय अलग करो तो 30 व्रजलीला के और 5 जो रासलीला के, महारास लीला के जो सुखदेव मुनि ने वर्णन किए, उसमें सब कुछ जो धर्मशास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से आए वो सब कुछ अंदर समाविष्ट हो गए। सुंदर सात जी, उससे आगे सुखदेव मुनि प्रेमनी बात तो बेहद नहीं करी कही, लेकिन क्या प्रतिबिंब लीला की कही। वो असल जो अखंड की असल की लीला हमारी जो हुई वो व्रज और रास की, वो नहीं कह पाए, प्रतिबिंब लीला का वर्णन किया। मैं आपको ये कहने के लिए सुंदर सात जी इतना लंबा विस्तार कर रही हूँ कि अब तक इस संसार का ज्ञान भी भागवत के 10वें स्कंद में 5 अध्याय रास में समाविष्ट हो गया, समाहित हो गया। उससे आगे सुखदेव एक शब्द नहीं बोल पाए, तो प्रेम ये शब्द भी इससे पहले हम ब्रह्मात्माए ब्रज की जो काल माए की लीला हुई उसमें हमने 11 साल जो प्रेम के विलास की और रास में भी प्रेम के विलास की जो लीला की, उससे सब संसार के जीवों को पता चला कि प्रेम क्या चीज है। तो कुरुक्षेत्र में बाद में उसी के बाद ये जो उपदेश दिया अर्जुन को योगेश्वर ने, मैं बात कर रही थी ना, उपदेश तो बाद में दिया ने, तभी जब अर्जुन को संशय हुआ कि भाई मैं तो बाल सखा हूँ और बचपन से ही कृष्ण के साथ खेला हूँ और मेरे को पता यही भगवान है, मतलब परब्रह्म के स्वरूप वही है, उसको पूरी पहचान नहीं थी। तो उसने उसके अंदर यही था कि योगेश्वर है, वही मेरे को मुक्ति देंगे, उसी पर उसकी पूरी विश्वास थी। तब योगेश्वर ने बताया
के बहुनानी व्यतानी अनेक जन्मानी तवचा अर्जुन, हे अर्जुन मेरा भी, ध्यान से, मेरा भी तेरे जैसे अनेक जन्म बीत चुके हैं जिसको तू नहीं जानता है, जिसको मैं जानता हूँ। देख मैं परब्रह्म नहीं हूँ, मुक्ति देने वाला और कोई पावर है, और कोई शक्ति है। तू जो मेरे अंदर आशा करके बैठा है तो एक गलत आपके अंदर भ्रम है, संशय है। तब अर्जुन को लगा और अर्जुन आगे ये भी बोला श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि यत न तत्र भाष्यते सूर्यो न दहति न पावक यत गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम। हे अर्जुन, कहने वाली शक्ति अंदर से कुछ और है, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, या चंद्रमा का प्रकाश नहीं पहुँचता, या विद्युत का प्रकाश नहीं पहुँचता, वही धाम मेरा दिव्य परम धाम है। तब अर्जुन को अंदर विचार आया कि मैं पूछूं तो मुक्ति किस कौन देगा। तब बोला कि अर्जुन, क्या बोला, पुरुष पार्थ, पुरुष पर पार्थ लभ्यस्तु अनन्या, हे पार्थ, हे अर्जुन, मुक्ति तो तेरे को अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति से ही मिलेगी। नौ प्रकार की भक्ति से इस संसार में कोई इस हद ब्रह्मांड के पार, इस मोह सागर को उलंघकर कोई नहीं गए। तब जाके बताया कि क्या, तो बताया उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदायते। हे अर्जुन, तू जो क्षर से परे अक्षर, ये नारायण तक का अक्षर ब्रह्मांड है, नश्वर है, जो नारायण की संकल्प से ये सृष्टि जो पैदा हुई है, ये एक दिन अक्षर का जब सपना टूटेगा दूसरे पुरुष, तब ये नारायण और चौदह लोक अंतर्गत ये ब्रह्मांड है, ये पूरा समाप्त लय हो जाएगा। तो बताया कि जीव की मुक्ति का ठिकाना कहाँ, तो जीव कहाँ रहेगा, मुक्ति मुक्ति की तो सब बात करते हैं, तो मुक्ति कहाँ मिलेगी। ये जो चौदह लोक बना है, ये पांच तत्व और तीन गुणों से बना है, वो भी समय से बंधा हुआ है, महाप्रलय में तो कुछ बचेगा नहीं, तो जीव की मुक्ति का ठिकाना कहाँ। देखो हरिद्वार के प्रसंग में हम आगे सुनेंगे। तब जाके बताया कि अक्षर से परे जो अक्षर है वो कुटस्थ न्यूट्रल अविनाशी, वो भी नहीं, वहाँ मुक्ति के स्थान तो है लेकिन वो उससे भी परे, उसके पास सत्ता है ये चलाने की, लेकिन किसके आदेश से, किसके हुक्म से वो काम कर रहा है। अक्षर भी, वो भी सत्ता के अंग है, सत्य के अंग है, लेकिन वो भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के आदेश राज्य, हमारे प्रियतम प्राणनाथ के आदेश से। तो ये अक्षरातीत या अर्जुन को वो योगेश्वर ने बताया कि अर्जुन ये उत्तम पुरुष, गीता में क्या कहा गया, ये उत्तम पुरुष अक्षरातीत वही आपको मुक्ति देंगे, मैं मुक्ति नहीं दिला सकूंगा। यह समय हरिदास जी देखो इतने ओछूत अछूत में मानने वाले अपनी मूर्ति देने के लिए तैयार हो गए, तो देवचंद्र जी के अंदर अभी स्वरूप की पहचान नहीं हुई है, ये प्रकरण में आएगी। इससे पहले जो निष्ठा देखी, उसकी श्रद्धा देखी और जो सेवा देखी, तो यहाँ बताया कि बाल मुकुंद जी की मूर्ति को देने के लिए एक शुभ दिन निश्चित कर लिया और देवचंद्र जी को बुलाया और बोला कि तुम प्रेम से सेवा अपने घर में करोगो करे। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रांत काल के, क्या बताया आगे कि जैसे ही देवचंद्र जी ने देवचंद्र जी को मूर्ति देने के लिए हरिदास जी ने बोल दिया कि हाँ तुम ऐसा करो, मैंने कल शुभ दिन निश्चित कर लिया, तुम आ जाओ लेने के लिए। तो आ गए उसी दिन प्रातःकाल, सुबह जो सेवा का समय होता है उसी टाइम जब मंदिर में गए तो वहाँ मूर्ति दिखाई नहीं दी। यहाँ से देवचंद्र जी के अंदर बैठे हुई स्वरूप कौन बैठी है, परब्रह्म अक्षरातीत की आहलादिनी आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी बैठी है ना अंदर,
हमारी बड़ी रूह श्यामा जी, तो उस स्वरूप की अभी पहचान शुरू हो गई। देखो मूर्ति आगे बताएंगे कि क्यों नहीं देनी है, क्या उसके अंदर क्या स्वरूप बैठा है। तो यहाँ बताया कि प्रातःकाल जब हरिदास जी सेवा के लिए अंदर गए तब मूर्ति दिखाई नहीं दी। तो अंदर जाके हरिदास जी चारों ओर एक एक कोने सिंहासन सेजिया, क्योंकि वो लोगों की सेवा है ना वो बहुत निष्ठा से होती है और इतनी सावधानी से वो करते हैं, इतनी विश्वास और एक एक चीज और सेवा पर विचार करते हुए करते हैं। कैसे भोजन सामग्री आज बनानी है, कैसे भोग ठाकुर जी को लगवाना बाल गोपाल को, तो एक एक जगह पर उसने खोज डाला लेकिन मूर्ति को कहीं नहीं पाया। तो वो दुखी हृदय से वो बैठ गए, तो फिर वो दुखी हृदय से बैठ गए। फिर अंदर जो घर के और सदस्य थे, परिवार के और लोग थे, उसको पूछा कि मूर्ति अदृश्य हो गई, क्या बाहर से कोई आया तो नहीं ने? तब घर के लोगों ने, पत्नी सबने बोला कि नहीं, ये बाहर का दरवाजा भी बंद है और अंदर आने की किसकी ताकत है, किसका बल है, और आप सेवा में हाजिर हो और कोई आ जाए, कोई नहीं आ सकता। देखो तो कितना वो मतलब कड़क और डिसिप्लिन के साथ सेवा होती होगी। पता नहीं, हमारे तो कई मंदिरों में मैं देखती हूँ कई बार बिल्ली भी घुस जाती है, कई बार कुत्ते भी, मैं बहुत से मंदिरों में देखा है। पता नहीं पुजारी जी कहाँ इधर उधर घूमते हो, तब तो अंदर वो एक चक्कर लगा के भी आ जाती है। देखो इन लोगों की जो सेवा का जो वो भाव है, इतनी वो संभाल देखभाल से हो रहा है। यहाँ घर के सदस्यों ने बोल दिया, सुंदरसा जी ये प्रकरण जब तक चले नहीं ये चर्चा, तब तक एक एक बात को हमारे हृदय में उतारना है और आत्म मंथन करना है, आत्म चिंतन करना है कि हमारी सेवा भी कैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसमें सेवा है तो हम भी सेवा पूजा में एक एक घंटे लगा दे, ये वाली सेवा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन मान लो आप एक घंटे के लिए ध्यान में बैठे, ठीक है, तो ध्यान में भी आपका हिलना डुलना ये भी एक आपकी इंद्रियों का जो आपको कंट्रोल करना, और इतना ही नहीं इंद्री हमारा जो मन भागता रहता है तो उसको कैसे शांत किया जाए। और मैं कल भी बता था ना, कहीं खुजली आती है, कहीं पीछे हमारा हाथ चला जाता है, कहीं हम इधर हो जाते हैं बैठने के बाद, 5 मिनट भी हम शांति से स्थिरता से बैठ नहीं पाते। तो एक एक जो सेवा का जो प्रसंग आएगा उसमें हम जो हमारे सिद्धांत के अनुसार, हम जो पद्धति के अनुसार चल रहे हैं, तो उसमें हम भी क्या इतनी देखभाल इतनी निष्ठा के साथ हम कर रहे हैं? हम हमारा आत्ममंथन करें ने, हम हरिदास जी और या जो सेवा में जो जो सदस्य शामिल थे उसी पर ही घटित ये प्रसंग घटनाक्रम को करते रहेंगे तो हमारे पर हम कब लेंगे? हम तो ये 400 साल से ये परंपरा में सुनते आ रहे, हम बोलते ये देवचंद्र जी का आज प्रसंग था। आप घर पे जाएंगे कोई पूछेगे तो आप क्या बोलेंगे? आज तो देवचंद्र जी का प्रसंग था, आज घुंघनी का प्रसाद आया, ये प्रसंग आया, आप ये बोलेंगे ने, तो हमारे परम कब लेंगे? सब देवचंद्र जी का रह जाएगा, छत्रसाल जी का रह जाएगा, सुंदरबाई का रह जाएगा, इंद्रावती का रह जाएगा, सब ब्रह्मात्माओं जो चली उसने करके दिखाया, कह के नहीं। तो हर एक प्रसंग को जब तक अभी तक चलती रहे, ठीक है, जब तक अभी तक चलती रहे, हर एक दिन हर मान लो एक एक वचन पर आप अपने को अंदर आत्ममंथन करते रहेंगे कि नहीं इस राह पर क्या मैं चल रही हूं। चलो हरिदास जी की सेवा देवचंद्र जी ने की, मैं तो राज्य की सेवा में भी इतनी निष्ठा से क्या लगी हूं? जितनी परिवार रिश्ते सगे संबंधी के प्रति जो मेरा मोह है, मेरा जो आकर्षण है, उसके पीछे मैंने पूरा मेरा तन लगा दिया, खत्म कर दिया, कुर्बान कर दिया है, क्या उसमें से करोड़वां भाग का अंश भी राज्य के प्रति हमारा कितना विरह है, हमारे आत्मा के प्रियतम प्रति हमारा कितना दर्द है? हमारे एक अपनी आत्मा को पूछे, न्याय करने का मेरा अधिकार नहीं है। हर एक सुंदर साथ, हर एक बच्चे अपने स्वयं को पूछे अंदर भीतर जाके कि नहीं
मैं अपने पर लेके मेरे जीवन में मैं क्या कितना बदलाव ला रही हूँ, मेरे अंदर कितना परिवर्तन हो रहा है। मैंने 40 साल पहले दीक्षा ले ली, 40 साल पहले तारतम लिया, या 30 साल या 20 साल या 10 साल पहले, तो देखो ये हरिदास जी के वहाँ देवचंद्र जी 4 साल तो रहे। तो एक एक प्रसंग के पीछे कुछ रहस्य तो कोई बात ही नहीं, गोपनीय बात तो है ही। लेकिन ऐसा है ना, बीतक के टाइम पे एक मर्यादा रहती है, विस्तार से समझाऊ तो रोज चौपाई का हो ही नहीं पाएगा, आगे की मंजिल बढ़ी नहीं पाएगी। तो यहां घर के सदस्यों ने बोला कि कौन आएगा अंदर, आपका इतना कड़क नियम है कोई अंदर नहीं आ पाएगा। तो यहां हरिदास जी अंदर से बहुत दुखी हृदय से अंदर से विलखने भी लगते हैं और बैठ एक कोने पे एक जगह एक स्थान लेकर वो बैठ जाते हैं। इतने में रोज ही देवचंद्र जी का नित्य क्रम था, देखो एक एक प्रसंग को हम हमारे पर घटाए कि हमारा भी एक नित्य क्रम होना चाहिए। जैसे हम सुबह को उठे तो हमारे जीवन की जो नित्य उठने के बाद यात्रा जो चालू होती है ना, तो क्या उठने के बाद हम बाहर थोड़ी झाड़ू पोछा ये करने लगते, पहले तो हम हाथ मुँह धो के ध्यान में बैठते, या समय ज़्यादा रहता तो पहले हम नहा लेते, बाद में हम ध्यान करते, इसके बाद हम मंदिर में जाते तो सेवा या जो भी बागा वस्त्र बदलने की जो भी कुछ सेवा हो ये करते, उसके बाद हम किचन रसोई घर में जाते, वहाँ चाय कुछ हल्का सा जलपान करते, उसके बाद हम घर के जो भी काम है उसमें हम फिर निपटाते। तो यही काम हमारा ऐसा ही रूटीन है ना रोज का। तो देखो यहाँ देवचंद्र जी रोज का नित्य क्रम बन गया। अभी राज्य की पहचान नहीं है सुंदर साथ जी, मैं इसलिए इतनी बात गहराई से बता रही हूँ कि राज्य की पहचान के बाद तो एक ब्रह्मात्मा की एक सुंदर साथ की कितनी ऊंची रहनी होनी चाहिए। उसके लिए तो संसार अग्नि के समान लगना चाहिए। उसके लिए तो संसार कैसा लगना चाहिए कि एक नश्वर, मतलब जैसे योगी होता है कुछ चीज़ों को देखने के बाद उस भी उधर की ओर गंदगी की ओर नज़र भी नहीं करता, ऐसे ब्रह्मात्माओं को एक बार अपने आत्मा की पहचान होने के बाद, धनी की पहचान होने के बाद, चाहे थोड़ी कुछ भी हो भले वाणी के माध्यम से ध्यान के माध्यम से, तो संसार हमको फीका लगने लगे। क्या लगना लगे, लगने लगे फीका लगने। हाँ ठीक है हम रहे लेकिन जल कमलवत रहे, कमल जल में खिलता है, गंदगी के जल में खिलता है, लेकिन जब उसका जो मूल होता है ना जड़े वो गंदगी में रहती है, कमल खिलने के बाद ऊपर उठ जाता है, देखो गंदगी को छोड़ देता है, तो क्या बताए कमल कितना कोमल है कितना सुगंधी है। तो हमारे अंदर जब तक पहचान नहीं थी तब तक तो एक गंदगी के संसार में हम थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कल परिवार को छोड़ के आप भी एक आश्रम बना लो, सन्यासिनी बन जाओ, या कोई पुरुष हो तो कोई सन्यासी बन जाए, ये मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन ये घर में रहते रहते एक त्यागमय जीवन जीवे हम जिए, समझ में आया मेरे कहने का भाव। ये संसार की गृहस्थी रूपी एक जो संसार में हमें गृहस्थी परिवार में रहते हैं वहाँ कैसा जीवन जिए हम, त्याग समर्पण वाला, कि मेरा कुछ नहीं है परमात्मा, हे धनी ये सब कुछ तेरा दिया हुआ है, बस मैं तो सिर्फ माध्यम बनी हूँ, बस तूने मेरे को दिया है, बस थोड़े टाइम के लिए उसका इस्तेमाल करना है, बस बाकी तो मैं खाली हाथों आई और खाली जाना है, मेरे साथ कुछ आने वाला नहीं है, बस एक धर्मशाला, मतलब है भले बड़ी कोठी लेकिन कैसे मानना कि बस धनी एक मैं बाहर कहीं यात्रा में जाती हूँ तो कोई होटल या धर्मशाला में मैं रुकती हूँ तो जितने दिन का किराया दिया है उतने दिन वहाँ रुकने को मिलता है, फिर तो छोड़ के निकलना होता है। तो चलो हम यही माने कि यही त्यागमय जीवन है ना, कि मेरे को बस परमात्मा को कहो कि थैंक्स तूने मेरी योग्यता से ज़्यादा मेरे को दे दिया, समझ में आ रहा है, मेरी योग्यता से ज़्यादा दे दिया, इतनी तो मेरी योग्यता पात्रता ही नहीं थी।
तो बस इस बड़ी कोठी में एक स्वर्ग के समान सुख में मैं रह रही हूँ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, बस डिस्चार्ज हो जाएगा एक दिन, ये छोड़ के जाना है सबको, यही भावना से रहना है। बाकी तो हम महिलाओं की एक अंदर की आदत होती है हमारी तृष्णा इच्छा की, मेरे को पता है, मैं कहीं देखा है कि एक छोटी सी कटोरी भी पड़ोस में गई होती ना, कोई सब्जी की लेन देन या कुछ मिठाई की व्यंजन की लेन देन, तो एक कटोरी वापस नहीं लौटती ना, तब तक तो मन हमारा वहाँ ही लगा रहता है, तो संसार कैसे छोड़ेंगे। कटोरी पड़ोस में गई है, कटोरी छूटती नहीं तो संसार कैसे छूटेगा। देखो ऐसा होता ने, देखो छोड़ दो ने, क्या करना, दे जाएगा नहीं दे जाएगा घर पे तो भले इस्तेमाल करे, क्या है, वो भी एक हमारी पड़ोसी, भले हमारी आत्मा तो है, हमारी तो बहन है वो, ठीक है, वो उसके कर्म के हिसाब उसको देना, हम क्यों न्याय करें, बस वैसा ही त्याग वाला, ठीक है। आप कहीं कल सब कुछ दान में दे देना, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब कल अपनी कोठी या कोई जमीन जायदाद सब कुछ डोनेट कर देना, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो भी आपके अंदर जितना त्यागमय जीवन बनेगा, जितना समर्पण, जितनी कुर्बानी, जितना अंदर से मतलब एक विनम्रता आएगी, झुकने का एक भाव बनेगा, सुंदर साथ जी वैसे ही हम करते जाएंगे ने, तो वैसे ही हम करते जाएंगे तो एक दिन हम इस लेवल पे पहुंचेंगे। मैं बताऊँ, पेड़ में जब फल लगते ने तभी वो झुकते हैं, समझ में आया, पेड़ में जब फल लगते ने तभी झुकते, फल के बिना देखो वे सीधे ही चले जाते, इसे अक्कड़ खड़े रहते, जब आम लगेगी ने तो नीचे झुकेगा। तो हमारे अंदर फल क्या है, क्या फल है हमारे अंदर का, धर्म का हमने ज्ञान लिया, कोई हमने दीक्षा कोई भी संप्रदाय के मत की ले ली, ठीक है, हमारी निशानी क्या है, हमारी पहचान क्या है, कोई बोले कि आप मेरे को ये इंफॉर्मेशन दे दो कि तुम किस संप्रदाय में हो, क्या है, तो हमारी कोई क्या, हमने बड़ा तिलक कर लिया, गले में बड़ी माला डाल ली, भगवे या कोई भी वेशभूषा वाले कपड़े पहन लिए, क्या ये हमारी पहचान है। गांधी जी ने कैसे कपड़े पहने थे, एक ही धोती तो पहनी थी, पूरा विश्व पहचानता है ना उसको, हमको गली में सुबह को निकले ना हम तो पड़ोसी प्रणाम भी नहीं करते, और दावा तो परम धाम का लिया ने दावा, तो हम तो परम धाम की अक्षरातीत की आत्मा है, लेकिन पड़ोसी भी हमको पहचानते, क्या कपड़े तो हम अच्छे हम पहनते हैं ना, गांधी जी ने थोड़ी पहना था। वैसे दयानंद सरस्वती देखो, सरदार वल्लभ भाई, हमारे गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल करके महापुरुष हुए, ठीक है, जो जो लोगों ने जीवन में, मेरा कहने का भाव यही है कि जिस जिसने जीवन में त्याग किया, सुंदर सा जी विनम्रता ही महानता की चाबी है, विनम्रता ही महानता की चाबी है, जितना हमारे अंदर झुकाव, नम्रता, शील, संतोष, लज्जा, शर्म, जो भी हो, धैर्य, प्रेम हमारे अंदर आता जाएगा ने, वैसे हम दिल से पवित्र बनते जाएंगे। बताया ने राज जी ने वाणी में कि जैसा बाहर होते होवे तैसा दिल, तो अधखिन पियो न्यारा नहीं माहे रहे इल मिल, और अंदर ना है निर्मल फिर एक चौपाई में गा के बताओ, फिर हम आगे बढ़े। अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर, कर दिखाई कोट मेर, कर दिखाई कोट मेर, तोय न मिलो करतार, अंदर नाही निर्मल फिर नहावे बाहेर, तू आपे न्यारी होत है पियो नहीं तुझसे दूर, क्या कहा, तू आपे न्यारी होत
बात है पियो नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, पर्दा तू ही करत है, अंतर ना आडे नूर, अंदर नाही निर्मल, फेर नहावे बाहेर। रज जी ने क्या बताया किरंतन ग्रंथ के माध्यम से कि सुंदर साजी बाहर की दिखावा वाली, कर्मकांड वाली, अंधविश्वास वाली, कितने प्रकार की, करोड़ों प्रकार की भक्ति कर लो, लेकिन आपका हृदय, जीव का दिल जब तक पवित्र नहीं बनेगा, आपका जीव का दिल अंदर इतनी बुराइयां, इतना विकार, इतने अवगुण, तो कैसे राज्य मिलेंगे? चाहे हजार बार राज्य को धोखा दे दो, लेकिन तन की जाने, मन की जाने, वो जाने दिल की चोरी, इन साहेब से क्या छिपा है जिनके हाथ में अपनी डोरी? इन साहेब से तो कुछ भी छिपा नहीं है, जो बात उठावे मन से वो पहुंचे वतन, एक जरा छिपी ना रहे, आगू इन खसम। राज्य से हम यह जैसे अंदर आप वहां बैठे हो ना सब, ठीक है, आप मेरे को लग रहा है कि आप मेरे सामने नजरों से नजर मिलाकर सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन आपके अंदर की विचार सरसावा, यमुना नगर शायद चली गई थोड़ी देर के लिए, मेरे को तो पता नहीं ना, ठीक है, लेकिन राज्य तो अंदर बैठे हुए हम क्या विचारते पता है? दीदी तो देख रही है ना, चलो हमारा नेत्र तो उसके सामने खुला है, हमारे अंदर जो भी विचार चले, कहीं भी हम चले जाए, अभी गोकुल मथुरा भी चले जाए, ठीक है, अमृतसर गोल्डन टेम्पल भी चले जाए, बैठे हैं यहाँ, मैं तो हर मंच में बोलती हूँ कि जहाँ आपका मन है ना वहाँ आप बैठे हो, आप जहाँ बैठे हो वहाँ मन नहीं है, जहाँ मन है वहाँ आप बैठे हो, ठीक है, आप बैठे हो यहाँ, लेकिन आपका विचार कहीं और चला जाता तो क्या अंदर जाएगी चीजें, ये जो समझ आएगा क्या? तो वही तो परम धाम में घटित हुआ, हमारी नजरें तो राज्य के सामने खुली है, लेकिन हमारी सुरता कहाँ चली आई? इस संसार में आई ने, हमने ये ज्योत्सना बेन नाम का तन धारण कर लिया, देखो मेरा पति है, सास ससुर है, बच्ची है, इतना बड़ा परिवार, इतनी बड़ी कोठी, इतनी धन जायदाद मिलकत, ये सब कुछ मैंने मान लिया, वास्तव में है नहीं, क्योंकि मैं बैठी तो मेरे रियल बॉडी से, मूल तन से मैं कहाँ बैठी हूँ? परम धाम में, मेरा दिव्य तन तो वहाँ बैठा है, वहाँ से सिर्फ हमारी नज़र, जिसको कहा गया आत्मा, रूह, नज़र यहाँ गया और मान लिया कि इतना बड़ा हमारे लिए संसार खड़ा कर दिया हमने, ठीक है, तो हम जहाँ बैठे हैं वहाँ हम नहीं है, जहाँ हमारा मन है वहाँ हम है, ठीक है, तो आप ध्यान से, मतलब जब तक हमारा जीव का दिल पवित्र नहीं बनेगा तो ये तो हमारे लिए नुकसान है, राज्य को क्या फर्क पड़ेगा? बस जीव के दिल को पवित्र बनाना है तब तक हमारी यात्रा इतनी आगे जल्दी से बढ़ेगी। यहाँ देवचंद्र जी की आगे बढ़े हमें सुंदर साथ जी, तो यह प्रसंग में क्या बताया कि देवचंद्र जी उसी टाइम पे नित्य क्रम आते थे ना, वो रोज, हम तो एक दिन भी तक सुनने के लिए आएंगे, फिर बीच में दीदी 5 दिन फिर घर का और काम कर लेंगे, फिर एक दिन याद आएगी, चलो सरसावा थोड़ी मर्यादा तो निभानी है ना, स्वामी जी ने और ज्ञानपीठ से हमारे बच्चों ने बोला है, तो चलो फिर हम 3-4 दिन के लिए चले जाएं, फिर 4-5 दिन नहीं जाएंगे तो चलेगा, फिर अंतिम 2 दिन के लिए चले जाएंगे बीत तक सुनने के लिए, ठीक है, ये हमारा नित्य क्रम है। हाँ, घर का नित्य क्रम रोज ही रूटीन पूरा ही, एक काम रात्रि को बाकी रह जाता था ना, मैं उसको नहीं बोल रही, आपको बोल रही हूँ, तो रात को बर्तन कोई मांझना या कुछ भी रह जाता तो जब तक खत्म नहीं होता तब तक अंदर चैन पड़ता, देखो कैसी निष्ठा से वहाँ लगी है, जहाँ लगना है वहाँ, हम नहीं थे ना सुंदर साथ जी तब भी ये संसार चल रहा था, अभी चल रहा है और हम नहीं हो गए ना तभी बहुत अच्छे तरीके से चलेगा, बोलो श्री प्राणनाथ, हमने इतना बोझ ऊपर सिर पर लेके हम बैठे हैं ना,
मेरी मेरी करत दुनी जाते है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पांव पलक का नहीं भरोसा तो भी सिर सर्जन को बिना देवे। बस मैं किया, मैंने किया, ये मैं नहीं होती तो ये क्या होता भाई, कुछ नहीं होता। मैं एक महीने नहीं होगी क्या राजकोट गुजरात में, तो क्या मेरे घर में कोई कुछ बन जाएगा क्या, कोई घटित घटना घटित होगी क्या? मेरे से अच्छा वो अभी अच्छा बहुत अच्छा चल रहा है, मैं वहाँ थी तब नहीं चल रहा था अभी बहुत, मैं फ़ोन नहीं किया लेकिन मेरे को पता है मैं नहीं होती भी तभी भी चलता है घर, चलता है दीदी। तो देखो गुजरात से यहाँ आई, मैं कोई बड़ाई नहीं, मेरी प्रशंसा नहीं कर रही हूँ, मैं शायद डेढ़ महीने रुकूंगी ना तो भी घर तो बहुत अच्छा नेतृत्व चलेगा वहाँ, ठीक है? तो आप दो घंटे के लिए तो आया करें, बोलिए श्री प्राणनाथ। चलो देवचंद्र जी के नित्य क्रम, रोज ही सेवा के टाइम वो आ जाते थे, आए हरिदास जी को दुखी देखा और पूछे कि आज आप दुखी क्यों हो, रोज तो आनंद में मग्न रहते, सेवा में लगे होते तो वही टाइम पे पहुंच जाते थे। तो बोले अरे मैंने जो आपको कल एक शुभ दिन दिन एक निश्चित किया था, आपको आज मूर्ति देनी थी, आज ये मूर्ति बाल मुकुंद जी की तो निज सेवा में मंदिर से अदृश्य हो गई। तब देवचंद्र जी ने बताया, सांत्वना दी, थोड़ी थोड़ी बल, थोड़ा बल दिया कि आप दुखी क्यों हो, तुमने तो भावात्मक रूप से अपनी भावना से दिल में, आपके दिल में कोई ऐसा थोड़ी धोखा देने का भाव था या छल करने का, आपने तो भाव से दे ही चुके हो, आप कल जो बोला ना कि मैं आपको मूर्ति दूंगा तो आप तो दे ही चुके हो। वो सांत्वना दे रहे किसको, हरिदास जी को, देवचंद्र जी, कि आप तो दे ही चुके हो, मेरे अंदर देखो हम तो हमारे अवगुण को ढांकते हैं, ढकते हैं ना, और रोज एक चौपाई रोज बोलते गुरु जी, अवगुण का दे गुण ग्रह है, हारे से वो है जीत, फिर साहेब सो नहीं, ये ब्रह्मसृष्टि की रीत थोड़ी है, बोलते हैं, मैं यही कह रही हूँ ना, हम रोज बोलते हैं लेकिन हम हमारे अवगुणों को रोज ढकते। यहाँ देवचंद्र जी ने अपने अंदर की वो बोली कि मेरे अंदर अभी ये पात्रता नहीं बनी है, ये योग्यता नहीं बनी है, इसलिए तो मूर्ति अदृश्य हो गई, आप दुखी क्यों हो? लेकिन इससे हरिदास जी का दिल के अंदर संतुष्टि नहीं मिली, मतलब सुख नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, मैंने जो भाव लिया था कि आपको बाल मुकुंद जी की मूर्ति देनी है, नहीं वो इससे मैं संतुष्ट नहीं हूं, हो तो दुखी हृदय से फिर एक कोने पे एक स्थान पर बैठ गए। और देवचंद्र जी ये सब उसी दिन, उसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, हमारे एक दिन दिन में कई बार ध्यान चितवनी नहीं हो पाई, ठीक है, या सेवा कुछ नहीं हो पाई, या वाणी का पठन नहीं हुआ, क्या हम अपने को सजा देते हैं कभी भी, क्या दंडित करते हैं हम अपने जीव को कि आज जीव तेरे को खाना नहीं देना है, कभी भी हमने सजा दी क्या जीव को, इंद्रियों को दंडित किया नहीं किया? देखो एक दिन ध्यान ना हो तो भी हम सुबह को जलपान तो अभी ज़्यादा कर लेते हैं, रोज तो कम करते, जब ध्यान नहीं हुआ तभी तो ज़्यादा कर लेते, दोपहर को भी आराम से खा लेते, शाम को जिसको मिलना था उसको तो मिले ही नहीं, ध्यान ही नहीं हो पाया, कैसे हमारा खाना अंदर गया? और ब्रह्मात्मा का तो आहार खाना पीना सोना रहना, ब्रह्म सृष्टियों का तो आहार ही सब कुछ प्रेम ही है, आसिक का क्या होता है, खाना पीना सभी उसका लक्षण ही प्रेम है, वो प्रेम मतलब राज्य, प्रेम ब्रह्म दो एक है, वो राज्य के बिना कैसे खा लेती कैसे पी लेती, उसको देखे बिना दीदार किए बिना उसके ध्यान में आपस में उसको मिले बिना एक बार प्रत्यक्ष किए बिना कैसे खा लेती, कैसे सुख चैन से पूरा दिन बिता सकती, बता नहीं, यह आहार आसिकन, ब्रह्म सृष्टियों का आहार ही क्या है, प्रेम।
यहाँ देवचंद्र जी, हरिदासी, घर के बड़े बड़े सदस्य सब ने एक एकादशी, यहाँ हम तो एकादशी नहीं रहते हैं ग्यारस, लेकिन राधावल्लभी मार्ग में ये एक उपवास बोलते हैं उसको, या व्रत बोलते हैं, तो वहाँ रहते हैं लोग पूरा दिन उपवास, कोई करते हैं, कोई निर्जला एकादशी करते हैं, कोई व्रत करते हैं। लेकिन ये क्या है ये आगे राज्य आपको सबको समझाएंगे, ठीक है। तो यहाँ एकादशी जैसा ऐसे अचानक, ऐसे व्रत जैसा पूरा दिन हो गया, जैसे एकादशी का व्रत होता उपवास रहते ना पूरे दिन, लेकिन बड़े सदस्य ने किसी ने खाया नहीं और देवचंद्र जी ने अपने घर में किसी ने नहीं भोजन लिया, सुबह का भी नहीं लिया, दोपहर का भी नहीं लिया, शाम का भी नहीं लिया। और सुबह को हरिदासी ने अपने जो बाल भोग लगाते, सुबह का होता ना, तो एक बच्चे कितना खाते, थोड़ा कुछ खाते ना, तो सुबह का लगाया हुआ भोग को क्या बोलते हैं, बाल भोग, कि बच्चे जितना खाते इतना ही भोग सुबह को लगाना, कदाचित ज़्यादा ना लगा दे दीदी, सुबह को राज्य को ज़्यादा ना लगा दे भोग, ठीक है, ड्राई फ्रूट या जो भी हो। तो यहाँ बताया कि सुबह का बाल भोग, दोपहर का राज्य भोग, जैसे राजा भोजन करते तो पूरा भरपेट दोपहर का करते, ठीक है, तो दोपहर का राजभोग, ये भी सिर्फ रास बिहारी बांके बिहारी कृष्ण की मूर्ति को ही लगाया, क्योंकि वो तो अदृश्य हो गई है। और शाम का रानी हल्का सा कुछ खाती है, तो रात को हम थोड़ा कुछ का खाए, वो भी 7 बजे तक खा ले आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन हम तो इच्छा जो भी हो 7 बजे भी खा लेंगे, 9 बजे भी खा लेंगे, कहीं बाजार में घूमते तो 11 बजे भी खा लेते, पता देखो। फिर आयुर्वेद ने बताया कि सर्व दोषा मलाशया, सब रोगों के मूल में ये मल का संग्रह है, इसलिए उपवास किया जाता है। व्रत अलग है, जो एक किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई दृढ़ निश्चय किया जाए अंदर, हमारे अंदर मान लो कि मेरे को अक्षरातीत की पहचान करनी है, उसको साक्षात्कार उसका करना है, तो उसके लिए हमारे अंदर एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ निश्चय किया जाए, उसको कहते हैं व्रत। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है, दीक्षा से दक्षिणा, दक्षिणा से हमारे अंदर श्रद्धा पैदा होती है, और श्रद्धा से सत्य की प्राप्ति होती है। सत्य मतलब एक अक्षरातीत, एक परब्रह्म की पहचान। तो यहां पूरा दिन एकादशी जैसा ही व्रत रहा, और बालमुकुंद तो अदृश्य है, बाके बिहारी जी को दोनों भोग लगाए, शाम ढल गई, रात्रि का समय आया। रात्रि के समय हरिदास जी को थोड़ी सी झपकी लग गई, वो तमोगुण वाली निंद्रा नहीं, जो हम एक आगोश में हम सो जाते ना तमोगुण में, जो पूरी स्पाइसी सब भोजन करके, ये मिर्च वाला, ये तेल वाला सब खा के, बाकी तो सांख्य दर्शन में कपिल मुनि ने बताया कि आहार शुद्ध सत्व शुद्धि, जिसका आहार शुद्ध होता है उसकी बुद्धि शुद्ध रहेगी। बुद्धि भी किस हिसाब से, क्योंकि फिर हमारे अंदर जो चित्त में संस्कार बने हैं, फिर हमारे एक तो जन्मों के, बहुत जन्मों के संस्कार है, फिर हमारा रोज का आहार भी वैसा है जो न खाने योग्य हो, जो ध्यान की चितवनी की राह पर चलने वाले को तो यही करना ही पड़ेगा कि आहार की शुद्धि पहले ही करनी पड़ेगी। यहाँ भले बताया तो उसी माध्यम के उसी प्रसंग से, पर हम सब समझ ले कि पहले आहार पर तो हमारा ध्यान होना ही चाहिए, कि सुबह का, दोपहर का, शाम का सात्विक भोजन होना चाहिए। लहसुन प्याज जो दुर्गंध वाले पदार्थ, या जो भी सड़े हुए या बासी, ऐसा तो कभी खाना ही नहीं चाहिए। हमारी महिलाओं की एक आदत रहती कि चलो शाम को तो डस्टबिन में फेंकना ही है, थोड़ा कुछ बचा है तो खा लो, खा लेते ना हम। लेकिन यहाँ आयुर्वेद का सिद्धांत के अनुसार सुंदर साथ जी बताया कि नहीं, वो जो आंतों में वो मल भरा रहता है, इससे मनुष्य रोगी होता है। हमारे अंदर जो रोग पैदा होते हैं ना, उसी हिसाब से फिर हमारा रोज का प्राणायाम नहीं रहता, व्यायाम आसन नहीं रहता, कोई एक्सरसाइज नहीं रहती। देखो खा पी के बस घर का थोड़ा काम निपटाया, फिर बैठ गए। अभी तो थोड़ा जिम का एक्सरसाइज का चल रहा है, लेकिन वो भी कितने टाइम तक,
रोज घर में जो रूटीन में नहीं आएगा प्रैक्टिकल में, तब तक कोई काम बनेगा नहीं। तो यहाँ उपवास एकादशी का जो व्रत का बताया, इसलिए मैंने यहाँ थोड़ी ये बात रख दी। हम आगे बढ़े सुंदर साथ जी। तो रात्रि को हरिदास जी को झपकी लग गई, और झपकी में एक योग निंद्रा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जैसे समाधिस्थ अवस्था में पहुंचे हुए योगी को एक योग निंद्रा, हमारे जैसे पूरी सुख चैन से शांति से सो जाए, छः छः घंटे पाँच पाँच घंटे वाली नींद नहीं, वो एक सावधानी अलर्ट होके जो सोते ने वो वाली एक योग निंद्रा। हमारा चिंतन जहाँ से उसमें का उच्चतन मन कार्य करता है, हमारा रात का मान लो हम ध्यान करते हुए युगल स्वरूप का ध्यान करते करते हम सोए, ठीक है, सोने के बाद हम जो जिस चिंतन में अंतिम हम डूबे, वही चिंतन जहाँ से फिर हमारी आँख खुले वही चिंतन से हमारा शुरू होगा। और जैसी जैसी जबकि लगी तो योग निंद्रा में पूरा दिन चिंतन किसका रहा था, अभी हम कमरे में बैठे थे स्वामी जी के, तभी बोला कि स्वामी जी राज्य की बात कर रहे थे, मतलब परब्रह्म की, कि जैसा जिसका आप चिंतन करेंगे ने, अभी हम सब सुंदर साथ बैठे थे तभी बताया कि जिसका आप चिंतन करेंगे वही आप बनोगे। मान लो आप परब्रह्म का चिंतन करेंगे तो परब्रह्म के गुण आपके अंदर आएगा, प्रेम आएगा, आनंद आएगा, इसका जो जो गुण है सुंदर साथ जी, शांति आएगी, ठीक है, जो भी गुण है वो परब्रह्म के गुण हमारे अंदर आएंगे। फिर स्वामी जी ने बोला कि आप रावण का ध्यान करोगे तो आपके अंदर क्या गुण आएंगे, आप रावण का ध्यान करोगे तो क्या गुण आएंगे, तो रावण के ही राक्षस श्रुति के ही गुण आएंगे ना हमारे अंदर। तो जो जिसका चिंतन करता है वही वो हो जाता है। तो देव हरिदास जी ने पूरा दिन किसका चिंतन किया, किसका चिंतन किया, बाल मुकुंद जी की मूर्ति का। तो ऐसे ही अचानक अनजाने में भी चिंतन तो एक ध्यान का, वो ध्यान की प्राप्ति हो गई ना, मतलब ध्यान की प्राप्ति मतलब एक परम तत्व की उपलब्धि हो गई ना, किया तो अनजान में लेकिन पूरा दिन ये चिंतन रहा। तो रात्रि को दीदार किसने दिया, बाल मुकुंद को, साक्षात बाल मुकुंद ने साक्षात दिया दीदार रात्रि को, बाल मुकुंद दीदार दिया शाम के समय, और बोले कि अरे प्रभु जी, कौन बोले, हरिदास जी, कि कहाँ चले गए थे तुम, मैंने तो पूरे कोने कोने को ढूंढ डाला, कहीं सिंहासन सेजिया पर आप मिले ही नहीं। तब बाल मुकुंद जी ने बोला, अरे हरिदास जी, क्या बोला, अरे हरिदास जी, आप मेरी बाल मुकुंद की मूर्ति को, मेरी सेवा को आप देवचंद्र जी के वहां पधराना चाहते थे ने, आपको पहचान है क्या, देवचंद्र जी के अंदर कौन सा स्वरूप बैठा है, क्या आपको पहचान है। ये प्रसंग को आप ध्यान से सुनना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भेद है, कि मेरी मूर्ति आप देवचंद्र जी के घर पधराना चाहते थे तो क्या उसके अंदर बैठे हुए स्वरूप की आपको पहचान है, उसके अंदर परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी बैठी है, उसकी वजह से, उसी के कारण तो मैं अखंड व्रज जो योगमाया का जो ब्रह्मांड है सबलिक के कारण मैं अखंड ब्रज में, उसी के कारण तो मैं अखंड हुआ हूं। किसने बोला ये, बाल मुकुंद जी की मूर्ति ने बोला, ठीक है, मूर्ति नहीं बोलती, ध्यान से और एक बात ले जाऊं, मूर्ति नहीं बोलती बच्चों, क्या बोला आपने, मूर्ति थोड़ी बोलती, मूर्ति जड़ है या चेतन, जड़ है, चेतन नहीं है क्या, तो इतने लोग मंदिर में जाते हैं तो क्या जड़ को प्रणाम करते हैं, जड़ को प्रणाम करते हैं क्या, सेजदा प्रणाम, मूर्ति नहीं बोलती, हरिदास जी के अंदर के जो भाव बने हैं, एक अंदर का जो स्तर बना जिसका चिंतन करते रहे, वही मूर्ति का स्वरूप, हर ध्यान से, वही मूर्ति का स्वरूप हरिदास जी के धाम दिल में विराजमान हो गया था। वो बोल रहा है
कि हे हरिदास जी, मेरी सेवा वहाँ पधराना नहीं है। आप मान लो किसी के मूर्ति के सामने बैठो तो मूर्ति थोड़ी चेतन है, वो थोड़ी अलन चलन कोई क्रिया थोड़ी, वो एक्टिव थोड़ी है। हमारे अंदर वो भाव बना, ठीक है। तो यहाँ भी ये बताया कि अरे मेरे उसकी स्वरूप की तुमको पहचान नहीं है, उसके अंदर परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति बैठी है। ये जब बालमुकुंद जी ने बोला तब सुंदरसा जी, यहाँ भी एक भेद है। बालमुकुंद के रूप में ब्रज के अंदर, ध्यान से, ब्रज के अंदर बालमुकुंद मतलब छोटा सा, 11 साल का जो छोटा सा जो बालक होता है कृष्ण के रूप में, जो ब्रज लीला में लीला हुई माधुर्य प्रेम की, तो वो स्वरूप को बाल गोपा, बाल मुकुंद कहते हैं। वो रास बिहारी है, वो उसको बांके रास वाला जो किशोर स्वरूप है उसको बांके बिहारी, रास बिहारी कृष्ण बोलते हैं। तो यहाँ बाल मुकुंद जी ने यह क्यों बोला कि उसके अंदर परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति बैठी है? ध्यान से, इसलिए बोला कि हम जब सबसे पहले परम धाम से ब्रज में आए ना लीला करने के लिए, हम 12,000 ब्रह्मात्मा आए, और राज्य की आवेश शक्ति और जोश की शक्ति किसके अंदर आई? कृष्ण के तन में, जो ब्रज में कृष्ण का तन था ना, रूप कृष्ण का, उसके अंदर आई, ठीक है, अक्षर की आत्मा के साथ। और 11 साल लीला हुई तो उसके अंदर बाके बिहारी वाली, ये जो बाल मुकुंद के अंदर जो शक्ति है वही तो बाके बिहारी की शक्ति बनेगी ना, तो वही शक्ति उसके अंदर थी। तो उसको तो वही याद है कि योग माया ब्रह्मांड में परब्रह्म ने जो केवल ब्रह्म में रास की खेली गई, तो वो वहाँ जो स्वरूप अखंड हो गया है, वो स्वरूप व्रज से हम रास में गए ना फिर, तो उसको क्या याद है बाल मुकुंद को कि व्रज में जो शक्ति ने लीला हमने की थी, मैंने मतलब बाल मुकुंद का यही कहना है कि मैंने जो लीला की थी, फिर मैं योग माया ब्रह्मांड में गया, वहाँ किशोर स्वरूप में जो केवल ब्रह्म में आनंद योग माया ब्रह्मांड में लीला हुई, और वहाँ जो नूरी तन हमारा अखंड हो गए, उसी भाव में वो बोल रहे हैं। उसको पता ही नहीं कि वहाँ तो हमारे नूरी तन अखंड है, आत्माएं तो वापस परम धाम में मूल तन में लौट गई थी, और अक्षर का अक्षर की आत्म भी वापस लौट गई थी, और राज्य का आवेश और जोश भी लौट गया था। तो यहाँ बाल मुकुंद को ये पहचान नहीं है, ये तो योग माया ब्रह्मांड में खेली गई महाराज की लीला कोई परब्रह्म की आह्लादिनी शक्ति मानकर वहां जो लीला हुई थी, राधिका के अंदर कौन बैठी थी? श्यामा जी। तो वो ये मानकर वो बोल रहे, तो तुम उनके घर ना पधराओ क्योंकि तुमको उनके स्वरूप की भई ना पहचान। तब बोला कि प्रभु जी आप कहां पर हो? तो बोले जाओ जाके मंदिर में देखो, क्योंकि वो तो एक कोने के स्थान पे वो बैठे थे ना ध्यान में, जबकि लगी और दर्शन हुआ। तो मैं कहीं नहीं गया हूं, लेकिन क्या हुआ बीच में? हे हरिदास जी, आपकी दृष्टि ने मेरी शक्ति ने बांध ली थी, बाल मुकुंद जी की शक्ति ने हरिदास जी के अंदर की दृष्टि को बांध लिया था, कि आपकी दृष्टि को मेरी शक्ति ने बांध लिया था, क्योंकि उस स्वरूप की सेवा ना सह सकूँ ना सह सकूँ एहसान, उन स्वरूप की तुमको से पहचान हुई नहीं है, इसलिए मैं अदृश्य हुआ हूँ। जाओ मंदिर में जाके देखो, मैं वहाँ ही सिंहासन पर बैठा हूँ। तो जैसे ही आनंद विभोर होके वो मंदिर में गए, तो सिंहासन पर बाल मुकुंद तो जैसे विराजमान थे वैसे ही विराजमान थे। देखो तो क्या बताया इस प्रसंग के, कि भाई तुम कर्म कांड की भक्ति जितनी भी कर लो। देखो हरिदास जी क्या करते थे, निष्ठा की सेवा देखी ना देवचंद्र जी ने पहले। एक एक प्रसंग को हम ध्यान से सुने, पीछे कोई गोपनीय अंदर की बात है, ठीक है। तो तभी हरिदास जी कितनी बार नहाते थे? 3-4 बार, जितनी बार सेवा करनी होती, ठीक है। और छूत अछूत का भाई कितना वो रखते थे, किसी को ये भोजन सामग्री की जो तैयार की है वो किसी को स्पर्श भी नहीं करने देते थे, तो उसका अलग रखते थे। तो देखो इतनी सेवा करते करते हरिदास जी की कितनी लंबी उम्र हो गई। क्या दर्शन हुआ मूर्ति को
पूजा करते करते हुआ, और कितनी देर में दर्शन हो गया, और कैसे हुआ, क्या ध्यान लगा तभी तो हुआ ने? तो क्या स्वामी जी रोज एक एक चर्चा में, एक एक प्रसंग में, एक एक चौपाई के माध्यम से, एक एक वचन के माध्यम से, चौपाई तो नहीं, बस बार हर बार हर चर्चा में हर प्रसंग में उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि बात घूम घूम कर तो फिर चितवनी पर आ ही जाती। तो क्या स्वामी जी गलत बोलते हैं क्या, झूठ बोलते कि तुम ध्यान करो? तो हम हमारा समय सिर्फ सेवा पूजा में या वाणी पठन कर लिया इस इतने में हम सीमित मान लेंगे, तो क्या हमारा हमारी जो हमारे को एक उपलब्धि जो हम राज्य का इति ही बैठे घर जागे धाम ये करने के लिए हम आए हैं ना, जो पहचान पर हम धाम में नहीं हुई थी, क्या हो पाएगी? तो हरिदास जी कितने लंबे टाइम से ये करते आ रहे थे, कितनी बार कपड़ा बदलना, नहाना, ये करना, ये करना, ऐसी कर्मकांड वाली कई भक्ति कर ली, लेकिन दीदार नहीं हुए। और यहाँ देखो एक ही दिन में थोड़ी क्षणों में उसको बाल मुकुंद का साक्षात दीदार कर लिया। और देवचंद्र जी तो घर पे चले गए थे रात्रि को, तो यहाँ बोला के चलो, देवचंद्र जी दुखी हो, तब पूछा के भाई सेवा तो देनी ही है, तो बोले देवचंद्र जी दुखी हो तो मेरे ऐसे करना, रास विहारी कृष्ण है जो बड़े किशोर स्वरूप के, उसके बागा वस्त्र की सेवा दे देना, ये ठोस मूर्ति नहीं देना, क्योंकि ठोस मूर्ति की अपेक्षा जो बागा के अंदर एक प्रेम भावना जागृत होती है, उसके अंदर एक अंदर से एक विरह भी जगता है, एक भाव भी प्रकट होता है बाघा के अंदर एक, तो यहाँ बताया कि तुम उसको क्या दे देना, बाघा वस्त्र की सेवा दे, क्योंकि अभी पूर्ण दीदार नहीं हुआ है ने, ये तो आगे जाके होगा, ठीक है, ये तो आगे जाके होगा। तब थोड़ी रात बीत गई थी, फिर सुबह को देवचंद्र जी आने वाले थे। इससे पहले क्या हुआ हरिदास जी, इससे पहले हरिदास जी इतना आनंद विभोर हो गए, उसको ऐसा लगा कि चलो आज तो कोई खुशी की सीमा ही नहीं है, ये समाचार मैं जल्दी से किसको बताऊं, देव चंद्र जी को। तो देव चंद्र जी को ये बात बताने के लिए वो रास्ते में दौड़ पड़े सामने, और जब जा रहे हैं देवचंद्र जी को ये बात बताने के लिए रास्ते में, तब सामने से देवचंद्र जी आ रहे हैं और उल्टी गंगा बही, कैसी उल्टी, आके देवचंद्र जी को तो लगा भाई कोई सूच समाचार है वो देने के लिए आ रहे, लेकिन जैसे रास्ते में दोनों का मिलन हुआ तो देवचंद्र जी के चरणों में, पहले गुरु कौन थे, गुरु मतलब उसकी सेवा करते थे ने, और यहाँ क्या हुआ, फिर क्या हुआ, सीधे ही दंडवत पहले तो प्रणाम किया और उसके चरणों में झुक गए, और रास्ते में फिर बातें बताते बताते कि अरे देवचंद्र आपके स्वरूप अंदर बैठे हुए श्यामा जी, सुंदरबाई स्वरूप श्यामा जी के स्वरूप की पहचान मेरे को अब तक नहीं हुई थी, आज ही हुई कि आपके अंदर तो परब्रह्म की आह्लादिनी आनंद स्वरूपा श्यामा महारानी बैठी है। फिर बोले कि क्या मूर्ति मिल गई, तो बोले हाँ चलो मैं मंदिर में सैजिया शयन पर और सिंहासन पर विराजमान है, मैं वहाँ आपको दिखाऊँ, और ले गए दोनों आनंद मग्न होकर, चलते चलते बातें करते जाते और सीधे ही मंदिर में पहुँचे, सिंहासन पर मूर्ति को देखा और सब ने अच्छे मतलब पूरे भाव से सब साथ में बैठकर भोजन भी किया, क्योंकि कितनी लगन है, जिस स्वरूप के पति लगी है ना, लगी वाली कछु और न देखे, जो लगी है ना बस वो जब तक प्राप्त नहीं होता ने तब तक वो सुख चैन की नींद नहीं होती। मान लो हम इतने साल से लगे ठीक है सेवा में, वाणी पठन में, ध्यान चितवनी में, बहुत टाइम से तो हम कितने भंडारे कई स्थानों के अटेंड किए हो गए आसपास में, रतनपुरी, शेरपुर, यहाँ सरसावा के या और जगह ठीक है, कई हम भंडारे भी अटेंड कर लिए, कितनी बार तो कितने आचार्य को
कोई भी मतलब ये विद्वानों की, पूज्य स्वामी जी की, गुरु जी की, कोई कितने लोगों की चर्चा सुनी होगी, सुनी होगी ना? क्या हमारे अंदर या ये बताया कि जो अंतिम चौपाई में कि तुम बस, हाँ मंदिर में जब पहुंचे तो लगा कि बस मूर्ति मिल गई जिसकी खोज में हम थे, तो हमको तो मिले बिना भी हम सुख चैन से रह रहे ने? कितना हमने अटेंड किया, मैंने अभी बोला कि चर्चा सुनी होगी, क्या राज्य मिले तो हम कैसे सुख चैन से रह पाए? हम कितने विरह में डूबते हैं, कितना हमारे अंदर, कितनी हमारे अंदर पीड़ा है, कितना दर्द है। यहां मूर्ति नहीं मिली तब तो कितनी वो किया, कितना क्या। तो यहां और आगे बढ़े सुंदर साथ जी और देवचंद्र जी को बोला कि देवचंद्र जी चलो सबने भोजन भी आर हो गया और तुम के तुम्हारे अंदर जो इच्छा थी ना, तो आप ऐसा करो, मेरे को बाल मुकुंद जी ने बोला है कि तुम मूर्ति नहीं बागा वस्त्र की सेवा दे देना। तो बागा वस्त्र की सेवा अपने सिर पर लेकर कोई भी ऊंची चीज होती ना कोई, ठीक है, और जितनी जैसी गरिमा होती, ठीक है, उतना हम एक सिर पर चढ़ाना मतलब सम्मानित करना, सम्मान के साथ, एक आदर के साथ, जितनी गरिमा वाली चीज होती तो सिर पर लेना, मतलब सिर पर कि मैं मेरा अहंकार मैंने समाप्त कर दिया, बस सब कुछ आपके चरणों में मेरा न्योछावर है, और सम्मान के साथ कि आपके चरणों में मेरा मतलब इतना रिस्पेक्ट वो करते कि सम्मानित करके ऐसे भाव के साथ वो सिर पर लेके अपने घर, देवचंद्र जी का घर भी भुज में उसने बसा लिया था, तो वहाँ अपने घर में ले गए और वहाँ जाके ऐसे ही निष्ठा के साथ, इतनी दृढ़ता के साथ वो सेवा करने लगेंगे। इससे पहले घर भले छोटा सा हो लेकिन हमारा भाव ना हो, या घर भले कितना भी बड़ा हो जो हमारा भाव ना हो, तो ये सेवा व्यर्थ चली जाती, उसमें कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। देखो कई बार सुंदर साथ बोलते कि दीदी सेवा तो पधरानी में गाँव ग्रामों में जाती ना, आसपास के इलाके में, गुजरात में, तो लोग बोलते कि दीदी घर छोटा सा है, मंदिर की जगह नहीं है। देखो आपने, आपकी जैसी बड़ी थोड़ी कोठी है तो एक मंदिर जैसा कुछ बना ले। तो मैंने बोला घर बड़ा नहीं चाहिए, दिल बड़ा चाहिए। घर कितना भी बड़ा हो लेकिन आपका भाव ही बड़ा नहीं है, आपका दिल ही बड़ा नहीं है, तो घर कितने भी बड़ी कोठी हो आप किसको सम्मानित कर पाएंगे, आप किसके चरणों में झुक पाओगे? मैं इतना ही मैं बोलती हूँ कि सुंदर सा जी के राज्य को बैठने के लिए कितनी जगह चाहिए, इतना छोटा सा सिंहासन तो चाहिए आपको, तो 6 फुट की चारपाई चाहिए, राज्य को थोड़ी चारपाई चाहिए। ये तो भले ठीक है मंदिर के हिसाब से हम ये परंपरा के या हमारे तो ये थोड़ा बड़ा सिंहासन बनाते, घर में तो हम छोटा सा एक सिंहासन बना ले उस पर बस राज्य को पधरा दे। इतने महंगे महंगे बागा वस्त्र बनाने की भी क्या जरूरत है, आपके दिल के भाव को चढ़ाओ ना, रोज बस 2-3 बागे बना लो, क्या है इसमें, कोई सोने सिंगार, सोने चांदी के कोई सिंगार बनाने की थोड़ी जरूरत है। सिंगार तो हमारा दिल का होना चाहिए, क्या सिंगार होना चाहिए, धैर्य का, करुणा का, प्रेम का, शील का, संतोष का, शबूरी का, ये धैर्य, ये हमारे अंदर सिंगार होना चाहिए। बाकी तो हम मंदिर को जितना भी सजा दे लेकिन हमारे अंदर भाव नहीं बना तो क्या राज्य कोई ऐसी चीज है कि हमारे एक सोने के सिंगार हम पहना दिए, कोई महंगे महंगे बाघा पहना दिए तो राज्य क्या एक घुसखोरी की तरह बिक जाएंगे क्या? मतलब दे दे हम कोई नेता के पास या कहीं भी जाए तो घुसखोरी चलती ना, कोई राज्य ऐसे कि राज्य को हमने एक देवी देवता की तरह मान लिया है कि वहाँ भी हम एक श्रीफल लेके जाते, वो भी हमने पहले मन्नत मांगी है कि भाई ये हमारे गांव घर में ये काम ठीक ठाक हो जाए, ये बिजनेस थोड़ा सही तरीके सही ढंग से चले, ठीक है, और घर में बस पुत्र का जो भी हमारे अंदर एक इच्छा है तृष्णाएँ बनी रहती उसी हिसाब से मन्नत अंदर एक विचार करते, और उसी के हिसाब ये भी कब
कि जब ठीक हो जाए बाद में मैं 10 रुपये का एक श्रीफल। देखो ऐसे विचार है हमारे अंदर। राज्य को भी मतलब अक्षरातीत को हमने क्या बना दिया कि मैं जब भोग लगाओ तब तुम खाओ, और पूरी सृष्टि को भोग कौन लगा रहे? एक अक्षरातीत। मैं गिलास में थोड़ा जल आपको धराऊ तब आप पियो, पूरे सागरे सागर और जो नदियां जो झील बनी है ये किसने बनाया? राज्य ने, ठीक है। और मैं आगे धूपबत्ती या दिया जलाऊ तब तुम, ठीक है। और मैंने सूर्य एक ही ब्रह्मांड में एक सूर्य सुबह को निकला, ठीक है, 7:30 बजे। पूरी पृथ्वी पर एक ही समान प्रकाश है ना, एक ही सूर्य है ना। क्या यहाँ अंबाला में दूसरा होगा? क्या हरिद्वार में तीसरा होगा? एक ही है ना सब जगह। दिल्ली में यही सूर्य है ना, ठीक है। तो सब जगह एक ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है ना। जो एक सूर्य पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर सकता है, इस परमात्मा को क्या दीपक जलाने की जरूरत पड़ती, धूपबत्ती करने की जरूरत पड़ती क्या? आ मतलब ये रति मतलब रत कर दे, समर्पित कर दे, मेरा सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर है, उसको कहते आरती। बाकी तो हो जो एक रुई की कॉटन की कई किलो केजी घी डाल डाल के 40 साल में तुमने बहुत केजी घी खत्म कर दिए, क्या अंदर प्रकाश हुआ? नहीं हुआ। जब तक अंदर प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई काम बनने वाला, तो बताया कि रूते जानाती न मुक्ति। जब तक ज्ञान रूपी अमृत हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक कोई प्रकाश नहीं होगा। तो सुंदर साथ जी, परमात्मा को भाव चाहिए, अपना दिल चाहिए, प्रेम चाहिए। हम परमात्मा को सब कुछ देते लेकिन दिल नहीं देते, ठीक है। और संसार को सब कुछ क्या देते? संसार को आप बोलिए ना। परमात्मा को दिल देना है और संसार को सब कुछ चीजें देनी है, हम उल्टा करते हैं। संसार को दिल देते हैं और परमात्मा को श्रीफल से मनाते हैं, बाघा से मना लेते हैं, सिंगारों से मना लेते हैं, मना लेते ना छोटी सी एक 200 रुपया की चीज में हम रिझाना चाहते, क्या वो मूर्ख है? यही हमारी भक्ति है। दावा तो बहुत बढ़ा लिया, क्या मैं मोदी की सीट पे दिल्ली में जाके 5 मिनट के लिए बैठ जाऊं तो क्या इंडिया मेरे को प्रधानमंत्री बोलेगा? क्या इंडिया मतलब भारत मेरे को प्रधानमंत्री बोलेगा क्या? 5 मिनट के लिए बैठ जाऊं तो शायद उसके कपड़े भी पहन लूं, वेशभूषा भी मोदी वाली बना लूं या राष्ट्रपति की बना लो, तो क्या मेरे को कोई बोलेगा? वैसे ही हमारा हाल है। हमने भी दावा तो बहुत बड़े बड़े ले लिए लेकिन उसी हिसाब से हमारा अनुसरण मतलब रहनी आचरण वही बनाना पड़ेगा। सुंदर सा जी, बीतक तो देवचंद्र जी की 400 साल पूर्व की है लेकिन वर्तमान में किस पर घटित हो रहा है? हमारे पर। तो यहाँ देवचंद्र जी देखो अभी एक सामान्य बस छोटे से घर में एक चयन किया, एक जगह को निश्चित किया, एक जगह को चयन किया, निश्चित किया और वहां एक छोटा सा स्थान या सिंहासन बनवा के वहां राज्य बाघा वस्त्र जो दिया था वो मूर्ति के बदले वो वहां पधरा दिया। और आगे सुनिए, इतनी निष्ठा के साथ इतनी लगन के साथ अपना सब कुछ अपना तन पूरा मन इंद्रियों के साथ लगा दिया। हमारे घर में राज जी कितने साल से है? ये बाघा वस्त्र की सेवा अभी राज जी की नहीं है, अभी राज जी की नहीं है, बाघा वस्त्र की सेवा सिर्फ है। देवचंद्र जी की पहचान को देखो, उसकी निष्ठा को देखो। हम तो सुबह को सेवा कर ली, दोपहर को बोलते कि भाई तुम ऐसा करो ना,
अभी तुम ये कर लो, मैं दूसरा काम कर लूँ, घर का बहुत निपटाना बाकी है। फिर हमारी पति की सेवा किसको दे दी? घर के परिवार के और सदस्य को, ठीक है। शाम को तीसरे को खोजेंगे, माता जी तुम वैसी बूढ़ी बेकार बैठी हो, तू कर लेने रात को। देखो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा देखो इतनी है बस। मैं ये नहीं कह रही हूँ, फिर दोहरा रही हूँ कि आप एक घंटे राज जी के पास आरती उतारते रहो, भोग लगाते रहो, बाघा वस्त्र बदलो, ये करो, ये नहीं कह रही हूँ। मतलब एक बार धनी की ओर लगने के बाद बस हमारा पूरा दिन खाते पीते उठते बैठते स्वपन सुवत जागृत दम न छोड़े मासुक को, जाकी असल हक निस्बत। क्या बताया? जाकी असल हक निस्बत। हमारा भले हम सुबह को जो भाई 24 घंटे कोई मंदिर में बैठना तो संभव ही नहीं है, 24 घंटे ध्यान करना भाई कोई संभव ही नहीं है, 24 घंटे वाणी पढ़ना संभव ही नहीं है, 24 घंटे कोई भी कार्य करना संभव ही नहीं है। लेकिन कोई घंटे तो निश्चित कर लो कि नहीं सुबह को मैं 1.5 घंटे 2 घंटे ध्यान करूँगी, फिर मंदिर में मेरे को बाघा बदलना है या थोड़ा वो गया जो 5-10 मिनट में मेरा कर्तव्य बनता है, या मान मेरा कर्तव्य बनता है 5-10 मिनट में ये मैं कर लूँ। कर्तव्य नहीं, मतलब मेरी सेवा करने का मेरा अधिकार है और नहीं मेरी फर्ज है, मतलब क्या कहूँ मैं इसके लिए, मेरा मेरे को करना ही होता है। हाँ घर में छोटे बच्चे हैं तो उसको सेवा का सौंप दो, आप ध्यान में बैठ जाओ, फिर पठन के लिए बैठ जाओ वाणी के, ठीक है, तो बच्चों के अंदर भी संस्कार आएगी। लेकिन हमारे लिए बड़े होने के बाद हमारे लिए दिन में 5-6 घंटे तो हमारी आत्म कल्याण के लिए निकालना चाहिए, ध्यान से निकालना चाहिए, निकालना चाहिए। और निकल जो अपनी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ाने चाहते हो ही को मैं बोल रही हूँ, ठीक है। बाकी तो राज जी ने बोला कि तुम तुम्हारी माया मीने सहजे भोगो जो सुख, तो ऐसे थोड़ी कि संसारी लोगों को बोला है, हम भी वैसे तो है जो जितना करो इतना ही, आप पर जितना ले गए बस जो माथे ले से तेने कहो छू बीजामा कर जो दुख। सुंदर साथ जी यहाँ देवचंद्र जी पूरा तन मन से अपने इंद्रियों के साथ पूरा झोंक दिया। इतना ही नहीं आगे देखे तो अपने लिए वो सामान्य स्तर की घर में वस्तुएं लाते हैं, लेकिन जो रास बिहारी बाके बिहारी के जो बाघा वस्त्र की सेवा घर में आई है उसके लिए जो भोजन सामग्री लानी होती ना वो बहुत उच्ची क्वालिटी की, कितना ऊंचा भाव है। हम बाजार से शायद यहाँ कोई प्रसाद आए होंगे तो कोई किसी को केला कोई इतना सस्ता, या कोई मतलब सेब है कोई महंगा किया तो नहीं भाई ये लारी का नहीं वहाँ 40 में है तो हम वो ले लेंगे, 60 वाला नहीं लेंगे। देखो हमारा भाव, देखो एक एक प्रसंग से राज जी हमको एक और गहराई में ले जा रहे कि तुम एक बार झोंक दिया राज जी की ओर, बस आपको नहीं देखना, आप आंख बंद करके चलो, आपको चलाने वाले राज जी है। सूरदास जी निकल पड़े तो क्या गड्ढे में गिर रहे तो कृष्ण जो उसका हाथ पकड़ते हैं तो क्या हमारे हाथ पकड़ने वाले राज जी नहीं आ जाएंगे? श्यामा जी कल निकली मरुस्थल में सूखे रेगिस्तान में तो उसको लेने के लिए क्या राज जी नहीं आए? भले सिपाही वेश में आए कौन, बस चौंक दो, हमारी ओर देखो ही नहीं राज जी करेंगे, हमारी ओर देखो ही नहीं राज जी करेंगे सब कुछ। तो यहां वो क्या करते हैं, चौका पानी सिर ऊपर लाके भर भर लाना, कौन? देवचंद्र जी, लीलबाई नहीं, देवचंद्र जी, और झाड़ू पोछा लगाना सब चीजें घर में लाना, ऐसी निष्ठा के साथ करने लगे। बस मेरे धनी की सेवा है ने, मेरे प्रियतम की सेवा है ने, वो कलंकित ना हो। मेरी प्रियतम की सेवा मैं दूसरे को दे दूं, उसके भाव में कोई बदलाव आ जाएगा तो मेरा धर्म ही कहां रहेगा, सेवा का धर्म ही कहां रहेगा। तो यहां फिर लीलबाई जो घर में अपनी पत्नी थी ने, माता पिता सब साथ में रहते थे, तो लीलबाई पड़ोस की और जो बेकार बैठती ना महिलाएं जो,
पड़ोस में हो क्या? चबूतरे पर बाहर, घर के बाहर शाम का 2 घंटा कैसे गुजारे फालतू बेकार में? क्योंकि घर में तो कोई काम धाम, अरे भाई घर में कोई काम धाम है ही नहीं, तो बाहर टाइम निकालने के लिए तो वो लोगों का काम क्या होता? शाम तक कोई नहीं मिलता तो फिर क्या होता है? इधर उधर की चुगली। तो फिर लीलबाई को ताना मारने लगी, अरे लीलबाई तुम कैसी स्त्री हो, चौका पानी आपको करना चाहिए, आप सिर पर जल भर के लाओ, आप भोजन सामग्री बनाओ, और आपको सब कुछ ये महिला का काम है, आप तो घर में ऐसी फालतू बेकार बैठी हो और आपके पतिदेव ये पुरुषों के सब कुछ कर रहे। तो ये सुनते सुनते लीलबाई के कान पक गए, मतलब थक गई। तो उसने देवचंद्र जी को बोला, ध्यान से सुना आगे का प्रसंग, ये सब भैया हमारे लिए है, ये दूसरे का नहीं है, देवचंद्र जी और हरिदास जी का नहीं है, ये सब घटनाएं हमारी एक एक कदम पर घर में घटित हो रही है, वर्तमान में हो रही है ना। आप अपने पर अंदर चिंतन कीजिए ना, भीतर जाके हो रही है ना। तो यहां आगे के प्रसंग में जब लीलबाई ने यह बोला कि भाई मेरे को ये सेवा करने दो, मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी, मैं भोजन बनाऊंगी ये बाके बिहारी जी के लिए, तो बोले नहीं तू मेरी धर्म पत्नी होने, यहाँ शरीर की पत्नी होने, तो मेरी बात को आप समझ लीजिए, आप समझिए ना, ध्यान से समझिए कि मैं मेरे आराध्य की जो पहचान की है वो पहचान तेरे अंदर नहीं बनी है। तो हम इसी प्रसंग के माध्यम से इतना ही समझे कि मान लो हम हमारे राज्य की सेवा हम खुद करते हैं तो पहचान बनी है। ध्यान से, जो हम हमारे राज्य की सेवा हम खुद करते हैं तो पहचान बनी है। सेवा मतलब रिझाना, प्रेम से वाणी पठन ध्यान करना, ये सब कुछ ठीक है। सुंदर साथ कोई आए तो कैसे सेवा करना, तो जो हम खुद करेंगे तो मान लो कि हमारे अंदर पहचान बनी है, हम दूसरे को सौंप देने कि भाई तू पठन कर ले, आज मेरे से तो होया हुआ नहीं, तो हमारे अंदर ये पहचान बनी नहीं, हम तो कहते फिरते हैं कि देखो मैंने राज्य को पा लिया। यहाँ क्या बताया कि जो मैंने अपने आराध्य की जो पहचान की है वो पहचान तेरे अंदर नहीं बनी है, शायद तू जल भरने के लिए जाएगी या भोजन बनाती होगी तो तेरे अंदर कोई विचार आ जाएंगे, तेरा दिल दुखी हो जाएगा, तो मेरा सेवा का धर्म ही टूट जाएगा, मेरा प्रेम कलंकित हो जाएगा, मेरा रिझाने का भाव ही टूट जाएगा। एक मैं बताऊं, आपको हंसी आएगी, बच्चों ये बात काट देना बाद में ठीक है। सुंदर साथ जी, ये बात एक मंच की मर्यादा के अनुसार मैं यहाँ बोलती निकले आज बोलू, मान लो आप सबके एक एग्जाम्पल के रूप में इसलिए बोल रही हूँ, मेरे अंदर वैसे दृष्टांत वाली बात ही नहीं आती ठीक है, मेरे अंदर ये बनी ही नहीं है। एक पति हो, पत्नी है अपने पति को ठीक है, रोज ही घर में रूटीन व्यवहार के अनुसार रोज पति का नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, शाम का लंच बनाती ठीक है, खाना बनाती डिनर, तो क्या वो दूसरे दिन को सुबह को क्या पड़ोसी की कोई महिला को बोलती कि आज ऐसा करने, कल तो मैंने अपना पति का बनाया था, आज तू बना दे, सुबह का जलपान तू बना दे, ऐसे बनती क्या? कि आप खुद रोज बनाती, आप खुद बनाते ना रोज। देखो मैंने बहुत गहरा दृष्टांत दिया, आप समझ लो, अंदर से आत्मचिंतन करो कि तुम्हारे पति मतलब ये शरीर के है तो अभी तुम इतनी श्रद्धा से लगी हो, इतने लगना भी चाहिए, हमारा गृहस्थी जीवन का कर्तव्य है, ये मैं वो नहीं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, मतलब दूर नहीं कर रही हूँ ये, लेकिन आत्मा के प्रियतम की पहचान के बाद हम दूसरों को ये सेवा सौंप दे, ये कितना योग्य है। यहां देवचंद्र जी ने अभी रास बिहारी कृष्ण की सेवा ली है हाथ में ठीक है, तो भी बोले कि नहीं ये सेवा तू नहीं कर पाएगी, मेरा सेवा धर्म टूट जाएगा, और पूरी तरह वो सेवा में लगे हैं। तो सेवा में पूरी तरह लगे हैं, ऐसे लगन से लगने के बाद थोड़े समय के बाद एक दिन देवचंद्र जी मंदिर के सामने सेवा कर रहे थे, सेवा करते करते ध्यान में मग्न हो गए, और उसका ध्यान कहाँ चला गया, कहाँ चला गया,
ब्रज के अखंड ब्रज के अखंड ब्रज के अंदर और किसका दर्शन हुआ ध्यान में, बाल मुकुंद के स्वरूप का अखंड ब्रज में चला गया और अपने को क्या माना, राधिका जी के स्वरूप माना है तो तन देवचंद्र जी का, लेकिन माना क्या, राधिका जी के स्वरूप में माना ना उसने, रूप नहीं स्वरूप, क्योंकि ऊपर नुरी ब्रह्मांड में जाना ने, क्योंकि उसमें बताया है कि पुरुष पणे दृष्टे न आवे अबला पणे लीजिए अंग, क्योंकि पुरुष भाव से यहाँ के जो सूक्ष्म भी रहेंगे अस्मिता जितना भी तो बेहद में कोई नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देवचंद्र जी एक दिन ध्यान में मग्न हुए तो राधिका जी के स्वरूप में वो अखंड ब्रज में पहुँचे और जाके सीधे ही नंद जी के घर पहुँचे। तन कहाँ बैठा है, ध्यान से, तन कहाँ बैठा है, भुज के अंदर अपने घर में, और ध्यान लग गया सेवा करते करते, तो फिर कहाँ चले गए, अखंड ब्रज में, और सीधे नंद जी के घर गए। वहाँ यशोदा जी, तो वहाँ आई जी शब्द लिखा है, ठीक है, वाणी ये मितक साहेब में आई जी, और आई जी मतलब उसकी सास, किसकी, राधिका हो तभी तो उसकी सास हो, कृष्ण के माता जी, और आई जी मतलब राधिका जी की सास। तो बोला, अरे राधिका जी तुम यहाँ आई क्या, तो बोले हाँ आई जी मैं आई। तो बोले कि कृष्ण जी कहाँ है, किसने बोला, ध्यान में गए, बैठे हैं कहाँ, भुज के गुजरात में, कच्छ प्रदेश में, भुज के अंदर अपने घर में ध्यान में वहाँ गए, और ध्यान में बोले कि माता जी, आई जी मतलब माता जी, कृष्ण जी कहाँ है। तो बोले वो तो नटखट घर पे थोड़ी रहता, वो तो वन में गया है खेलने के लिए अपने मित्र मंडल गोप बालकों के साथ। तो बोले कि चलो मेरे को तो वहाँ जाना, मेरा मन वहाँ लगा, मेरे को तो उसको मिलना, वो आई जी की बात भी नहीं सुन रहे, बोले मेरा तो मन कृष्ण में लगा है। देखो ध्यान में भी कितनी लगन है, आप चिंतन करिए न, पहुँचने के बाद भी ये स्वरूप के बिना नहीं रह पा रहे। फिर आई जी यशोदा जी जो वहाँ कुछ सेवा कर रही थी अपने घर में, तो वहाँ बोले कि चलो इतनी उतावले जा रही हो तो ऐसा करो कुछ मिठाइयाँ कुछ व्यंजन बनाए आप साथ में लेके जाओ। तो वहाँ से राधिका जी के स्वरूप में देवचंद्र जी ने मिठाई ली और कहाँ गए, वन के अंदर, और वहाँ जाके पूछा, जो मित्र मंडल खेल रहे थे उसको पूछा कि कृष्ण जी कहाँ है। तब जाके वो सब मित्र मंडल ने बोला कि कौन से कृष्ण आप बात कर रहे हो, किस कृष्ण को आप मिलना है। तो बोले कि नंद कृष्ण को। तब फिर गोप बालकों ने बोला कि भाई यहाँ नंद कृष्ण भी बहुत से नंद है और बहुत नंद के कृष्ण भी है, किस नंद कृष्ण को मिलना है। तो बोले कि यशोदा नंद कृष्ण को। तब जाके बोले कि देखो वहाँ जो खड़े हैं ना तो मंद मंद हंस रहे थे कृष्ण जी, और वहाँ गई कौन, राधिका जी देवचंद्र जी के अंदर बैठी हुई अंदर ध्यान में जा रही है, ठीक है, और कृष्ण जी के पास मंद मंद हंसते हुए वहाँ जब खड़ी रही तो राधिका जी भी हंसने लगी और कृष्ण जी को बोला, अरे मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ और आपको तो मजाक लग रही है क्या, मेरी विरह आपको ध्यान में नहीं आ रही, मेरी पीड़ा ध्यान में नहीं आई, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। तब बोला कोई बात नहीं राधिका जी, आइए मेरे पास बैठिए। बैठे और राधिका जी जो माता जी ने मिठाई दी थी यशोदा जी ने, बोले गोप बालकों को कृष्ण जी को दिया, कृष्ण जी गोप बालकों को बोले लियो ये सब, ये मिठाई और जो भी चने ये गेहूं की जो घुंघनी बनती ने मीठी, या हमारे गुजरात में तो नमकीन भी बनती घुंघनी, तो बोले कि लो ये वहाँ बच्चे सब घुंघनी तो सुबह से बच्चे लेके गए थे भोजन सामग्री साथ में, तो बच्चे थोड़े छोटे से पतले महीन कपड़े में ऐसे अंदर आटी देके थोड़े अंगूठे से पानी निकाल रहे थे, और उसी टाइम ये मिठाई भी दी कृष्ण जी ने कि लो ये मिठाई और घुंघनी आप एक साथ सबको बांटो, और सबको बांटो ने तो मेरे को दो भाग देना, क्योंकि मेरे पास में राधिका जी भी कैसे गई है वो ध्यान में, राधिका जी भी बैठी है, ठीक है। तो सब बच्चों ने सबको बांटा एक एक भाग, लेकिन कृष्ण जी को कितने भाग दिए, दो भाग।
और दो भाग दिया राधिका जी ने, जैसे पत्तल में प्रसाद आए और जैसे हाथ पत्तल से टच किया, स्पर्श किया, वैसे ध्यान क्या टूटा, यहां बुझ के अंदर अपने घर में। जैसे ही पत्तल से अपना हाथ स्पर्श हुआ तो ध्यान पूरा टूट गया और चौंक गए, अरे मैं कहाँ था और कहाँ हूं। तो सुंदर साथ जी, इसी प्रसंग से भी हम यही बात समझे कि ध्यान करने के लिए कितनी स्थिरता, कितनी शांति, हमारा मन कैसे ही एकाग्र होना चाहिए और हम हिले ना डुले ना, जितना भी बने हमारा आसन स्थिर होना चाहिए। जब आसन स्थिर होगा तभी मन स्थिर होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं ना कि नहीं, हम चलते फिरते भी परमधाम का चिंतन करते हैं, चितवनी करते हैं, नहीं ये तो एक भाव में डूबा जाता है, ये चितवनी ये ध्यान नहीं कहा जाता, ये तो एक भाव लीनता है, ठीक है। लेकिन ध्यान में बैठने के लिए तो पहले आसन स्थिर करना पड़ेगा ही पड़ेगा और मन को एकाग्र एक बिंदु पर, या मतलब एक हमारा लक्ष्य पर, मूल मिलावा में हम गए तो स्वरूप पर, लक्ष्य पर हमारा केंद्रित मन केंद्रित करना ही पड़ेगा। तो यहाँ इस प्रसंग से सुंदर साथ जी बताया, और ध्यान के बाद अपनी सेवा में जब ध्यान टूटा तो अंदर से इतने आनंद विभोर हो गए। और सुंदर साथ जी जब अपनी घर में सेवा में भी वो लग गए और वही स्वरूप को ध्यान से, वही स्वरूप को भोग भी लगाने लगे, किस स्वरूप को, बाल मुकुंद के स्वरूप में, जो अक्षरातीत के आवेश ने, मान लो बताया कि तीन बेर दर्शन दिए, पिया की अति प्रसन्न, तीन बेर दिए दर्शन, तो तीन बेर ये वाणी के वचन है, ठीक है, चौपाई है। तो पिया जी ने पहले सिपाही वेश में मोहम्मद कच्छ की राह में मोहम्मद दिया दीदार, ये दूसरा दर्शन है बाल मुकुंद के रूप में, ठीक है, अखंड योग माया ब्रह्मांड के बाल मुकुंद के रूप में राज्य की मूल स्वरूप की आवेश शक्ति ने ही दर्शन दिया है। श्यामा जी के सामने दूसरा कोई स्वरूप आएगा ही नहीं, तो ये दूसरा दर्शन बाल मुकुंद के रूप में सुंदर साथ जी राज्य की आवेश शक्ति ने ही दिया, और वही स्वरूप को वो भोग लगाने लगे। और इतना ही नहीं, और ये स्वरूप को अपने धाम दिल में अखंड कर लिया, और रोज ब्रजरास की चर्चा सुनते थे, और सुनते सुनते आँखों में से आंसू भी बहते थे, और ये सारभूत अपने अंदर ये सुंदर साथ जी इस शोभा को अखंड करने के बाद ये सेवा नित्य रोज के लिए चलने लगी। और एक दिन उसकी निष्ठा को देखकर हरिदास जी ने बोला कि आपके अंदर बहुत एक उच्च निष्ठा है, सेवा की भावना है, तो उसके लिए आप जामनगर, नवा नगर, हालार प्रदेश, वहाँ आप जाइए, वहाँ से उससे आगे का आपको ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ तक का ये प्रसंग, और आगे के जो प्रसंग जोड़ना है वो हम कल आगे घटनाक्रम में हम जोड़ देंगे। तो इतना कहकर यहाँ सुंदर साथ जी चौपाई दोहरायम। तो ऐसे ही साधना करते करते कई समय त्या वहाँ पूर्ण हुए, और उसके बाद वो कल नौतनपुरी आएंगे तो हम चौपाई दोहराए। महामती कहे ये साथ जी, ए इतके कहो कहे बयान, श्री देवचंद्र जी के स्वरूप की, नेक कहो पहचान, नेक कहो पहचान। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।